फ्यू डेज एगो गाइज आई मेरा वीडियो अबाउट आमला रिठा एंड सीकाई पीपल आस्ट मी अलॉट अलॉट ऑफ क्वेश्चन गाइज अबाउट दैट तो आज मैं आ गई हूँ आप लोग के साथ में उसी के बारे में शेयर करने के लिए गाइज तो आई होप आप सबको इस वीडियो का इंतजार बहुत ज्यादा रहा होगा कि मैं ये वीडियो कब बनाऊंगी आपको कैसे यूज करना है कब यूज करना है मतलब उसी के बारे में ओवरऑल आज मैं आप लोग के साथ में भी डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में फर्स्ट well, क्वेश्चन जो सभी लोगों के थे वो ये थे कि इसमें हम लोग क्या क्या मिक्स कर सकते हैं तो इसमें आप लोग आमला रीठा और सीकाकाय के साथ में वाटर को मिक्स कर सकते हैं सबसे अच्छा जो आसान तरीका है आप आमला लीजिए रीठा लीजिए सीकाकाय लीजिए आप चाहे तो उसमें ड्रिंक राश पाउडर भी यूज कर सकते हैं अगर आप लोग के पास में है तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं गाय में वाटर के साथ में आपको पेस्ट बनाना है ओवरनाइट के रखना है या फिर आप उसको दो से तीन घंटे पहले भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप उसको बस कुछ टाइम के लिए कंटेन करके रख दें और आप चाहे

तो आपको फ्रिज के अंदर में स्टोर करके इसको रख देना है एंड नेक्स्ट डे या फिर दो तीन घंटे के बाद जब भी आप रखते हो तो आपको अपने हेयर्स में अप्लाई कर लेना है अप्लाई करने से पहले एक चीज आपको नहीं भूलना है कि अपने हेयर्स को पार्टीशन में करके आप लोग को लगाना है मोर थिंग थी आप लोग जब भी लगाते हो तो अपने हेयर्स में लगा लेते हो लेकिन स्कैल्प को छोड़ देते हो स्कैल्प में लगाना नहीं भूलना है क्योंकि इसका जो मेन वर्क है गाइज वो आपके स्कैल्प में ही होता है आपके स्कैल्प में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो हटाता है आपके हेयर्स को स्ट्रांग करता है आमला जो होता है गाइज आपके हेयर्स की जो ग्रोथ होती है स्टॉप है तो धीरे धीरे से उसको मतलब रीग्रोथ करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है तो आमला तो आप लोगों ने पहले भी सुनागा आपकी दादी जो भी मतलब आपसे जो बड़े होते हैं वो लोग आपको हमेशा कहते हैं सजेस्ट करते हैं कि आमला लगाओ आमला की सारी चीज अच्छी क्योंकि आमला में आयरन होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके हेयर के लिए अच्छी होती है आपकी आई साइड को स्ट्रॉन्ग करती है मतलब बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छी होती है आमला खाने से आपके फेस पे ग्लो भी आता है आपको बता दो की बहुत हेल्दी होता है आपके लिए ओके तो आई होप गाइज अभी तक की जो चीजें हैं आपको पहले से पता रही होंगी लेकिन आपको और चीजें बता दो जो रीठा होता है रीठा

में ये भी क्वेश्चंस बहुत थे कि कितनी बार लगा सकते हैं आप वीक में दो बार तीन बार मतलब लगा सकते हो कोई लिमिट नहीं है बस दो दो दिन गैप करके यही सजेस्ट करूंगी क्योंकि इसको लगाने में थोड़ा सा ज्यादा मतलब टाइम लगता है तो आप लोग को लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है तो आपको एक बार तो पक्का आपको लगाना ही है ठीक है तो गाइज आई हेल्पफुल रही होगी वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे बेल आइकन को हिट कर दोगे तो आपको मेरे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल पाएंगी बाय बाय गाइज टेक केयर सी यू लव यू गाइज